गाइस देखिए, ये मैंने गरम मसाला पीस लिया घर में, और ये देखिए तड़के के लिए प्याज है, ये देखिए तेज़पत्ता है, ये धनिया पाउडर है, और ये देखिए हमने सब्जी मसाला लिया है, और थोड़ा सा हल्दी लिया, और ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है, तीखा नहीं है। मैं आगे आपको गोभी फ्राई करके दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, अभी अच्छे से गोभी मेरी हींग में मैं इसको फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सो गाइस, देखिए हींग अच्छे से हो गया, तेल भी हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे गोभी, मैं इस तरह डाल दूँगी। तो गाइस देखिए हमारे गोभी अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं कुकर में तेल डाली हूँ, मेरा तेल हो गया है। अब प्याज हो जा रहा है मेरा, और मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस देखिए, अब मैं इसी तरह सारा मसाला डाल दे रही हूँ। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए लाल लाल खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये देखिए मतलब अब मैं इसमें गोभी डालूंगी। तो गाइस देखिए अच्छे से गोभी मसाले में खूब लिपट गई, अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें आपको ग्रेवी लगा के दिखा रही हूँ। तो गाइस मेरी सब्जी अच्छे से हो गई है। आपको अगर हल्का रसा खाना हो कम ग्रेवी लगाइए, अगर चावल से खाना हो थोड़ा ग्रेवी इसको बढ़ा दीजिए। अब मैं देखिए अब मैं इसमें ग्रेवी लगा रही हूँ। मैं इसको कम ही ग्रेवी लगा क्योंकि मुझको पराठा से खाना, आप पराठा पूड़ी या चावल के साथ खाइए। और ये देखिए थोड़ा सा ग्रेवी और लगाना हो तो आप लगा लीजिए, अपना ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगाइएगा। और हमने तो इसमें पानी अच्छे से डाल दिया। अब मैं इसमें स्टीम लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस वीडियो आपको कैसी लगी आप देखिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए छोटी सी वीडियो आप देखिए अच्छे से हो गया। अब मैं इसको धनिया पत्ती निकाल के और सर्व करती हूँ। ये देखिए छोटी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।